आखिरी के 10 दिन बचे हैं तो क्या हुआ? हम अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो भैया मेरी प्रिपरेशन लगभग लगभग हो चुकी है, लेकिन मैं जब भी कोई सैंपल पेपर या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुरानी सारी चीज़ों को ना भूल चुका। भैया इस टाइम पर मैं भी 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और मेरी क्लास का टॉपर भी 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, तो क्या 95-98% स्कोर कर सकता हूँ? या ये टॉपर कुछ अलग पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या उनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, उनकी याद करने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है जिसके कारण वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं? तो इन आखिरी के 10 दिन को मैं कैसे मैनेज करूं ताकि मैं भी उस कैटेगरी में, उस 95-98% की कैटेगरी। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो टॉपर्स लोग हैं वो क्या कुछ अलग पढ़ते हैं, या ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या इनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी ही अलग होती है। सेकेंड चीज, एक 98% फ्लो चार्ट क्या है जिससे हर एक बच्चा 95-98% स्कोर कर सकता है। सिर्फ आखिरी के 10 दिन भी अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, आप प्रॉपर इसको फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से 95-98% स्कोर कर सकते हैं। मेनली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको रिवाइज कैसे करना है ताकि जो चीज़ें हम भूलते जाते हैं, जैसे हमने प्रिपरेशन करी है, जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो हम पुराने कंसेप्ट्स को, पुरानी थ्योरी को भूल चुके होते हैं, ठीक। तो हमको उसको रिवाइज कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसका हर एक सेकेंड बहुत ध्यान से देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो इस चैनल के अंदर बहुत सारी शानदार से थ्योरिटिकल चीज़ें भी आ रही है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी आ रही है, और कुछ मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वाले वीडियोस भी आपके लिए लगातार आते हैं, ठीक। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे 98%, तो बच्चों ये है हमारा एक 98% लाने का फ्लो चार्ट, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, जिसके अंदर हमारे लेक्चर्स होते हैं जो कि हम पहले पूरे साल के अंदर कर चुके होते हैं, हमारी NCERT होती है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हमको प्रिपरेशन के लिए लगती है वो सारी की सारी किस्म है प्रिपरेशन में, जो पार्ट जिसका मैक्सिमम पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट इसमें आता है रिवीजन। रिवीजन में हम एक बार जो भी यहाँ पे हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है, जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसको यहाँ पे करना है, साथ में एक PYQ या तो इसमें करिए या तो इसमें करिए, जो कि हमारा रिवीजन वाला पार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने पूरी थ्योरी को रिवाइज करी है, NCERT को रिवाइज किया है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, तब जाके हमारा एक सैंपल टेस्ट, जिसको हम सैंपल पेपर बोलते हैं, उस टेस्ट पर आए हैं, जहाँ पर हम खुद को इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर हमारी तरफ से स्ट्रांग है उसमें कितनी कमियाँ अभी बची हुई, ठीक। तो आइए सैंपल टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी गलतियां निकली है उसको क्या करना है, हमको सुधारना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, सैंपल पेपर को एनालाइज करना है, जितनी गलतियां निकली उन सब गलतियों को एक पेपर पर लिखना है, डाउट के लिए लिखना है, फिर उसका रिविजन करना है, ठीक। रिविजन में हमारा सारा जितना भी यहाँ पे गलतियां निकली है उसको रिवाइज करना है, पुराना जो भी बचा है उसको रिवाइज करना है, फिर हमको जाना है एग्ज़ाम के लिए। अब जब हम यहाँ पे एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये चैप्टर, हर एक चैप्टर हमारा इस तरह से अगर चलता है कि पहले प्रिपरेशन हो रही है, उसका रिवीजन हो रहा है, उसका सैंपल पेपर हमने लगाया हुआ है, फिर उसके बाद हमने फिर से उसमें जो जो गलतियाँ हुई है उसको रिवीजन में सुधारा है, उसको एनालाइज किया है, फिर हम एग्ज़ाम में के लिए बैठते हैं, तो भैया यहाँ पर हमारे आते हैं 98%। तब हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 40 out of 40 स्कोर कर सकते हैं। यह होता है एक फ्लो चार्ट।
लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सीधे प्रिपरेशन से इस प्रोसेस पर पहुंच रहे हैं। बीच का ये जो रिवीजन, ये सैंपल पेपर, ये फिर रिवीजन, इन सब को स्किप कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि जो इतना पार्ट है, ये लगभग लगभग आपका हर सब्जेक्ट में 10-20 मार्क्स रख रहा है अपने पास। 10-20 मार्क्स ही अपने पास रख रहा है। अगर आपके 20 नंबर आते हैं तो आप यहाँ पे 10 से 15 नंबर, 35 से 40 नंबर तक पहुँच सकते हैं आसानी से। अगर अभी भी आपके 50-60% बन रहे हैं तो आप आसानी से उसको 90-95% तक पहुंचा सकते हैं इस स्ट्रेटजी को। आखिरी के 10 दिन बचे हैं तो क्या हुआ, हम अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो जो भी हमारा अभी तक स्कोर आया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी प्रिपरेशन अगर अभी तक स्ट्रांग है, हमने लेक्चर एनसीईआरटी पीवाईक्यू कर लिए हैं, और अगर नहीं भी करे हैं तो हम लगभग लगभग 80-85% तक तो पहुंच सकते हैं। जितना हमने करा है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो टॉपिक बचा है उसको भी करेंगे, आसानी से हमारे स्कोर को बढ़ाएंगे। बच्चों अब हम आते हैं कि हमको रिवाइज कैसे करना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि जो हम पढ़ते जाते हैं उसको भूलते भी जाते हैं। और हमारा ह्यूमन माइंड ही इस तरह से डिजाइन है कि हम चीज़ों को भूलते हैं, और जिन चीज़ों को हमको हमारे दिमाग के अंदर रखना है उसके लिए उस चीज़ को हमको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि हर एक बच्चा चीज़ों को भूलता है, बस बात यह है कि कौन बच्चा किस स्ट्रेटजी के साथ उसको रिवाइज कर रहा है। इससे उसके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, इससे उसको कंसेप्ट याद रहते हैं और वो एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर करके आता है। बच्चों अब मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो सभी बच्चों पर वैलिड है, चाहे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ है या थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है। ठीक, हम दोनों के बारे में बात करेंगे और मैक्सिमम हमारा ऐसा मानेंगे कि आपका सिलेबस 90-95% कंप्लीटेड है, कुछ थोड़ा बहुत बचा हो सकता है। ठीक, अच्छा देखिए, सबसे पहले हमको पता है, ठीक है, खुद को हमको पता है, आपको पता है खुद के बारे में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, उसका कौन सा टॉपिक टफ लगता है। हो सकता है आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टफ लग रहा हो, या आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर टफ लग रहा हो, ठीक, या फिर आपको बायोलॉजी का कोई टॉपिक टफ लग रहा हो, आपको सोशल साइंस का कोई सा टॉपिक टफ लग रहा हो। हर एक बच्चे के पास अपना एक एनालिसिस होता है कि मेरे को ये वाला टॉपिक टफ लगता है या ये वाला टॉपिक स्ट्रांग लगता है। ठीक, तो हमको सबसे पहले एक प्रायोरिटी वाली लिस्ट बनानी, हमारे पहले प्रायोरिटी पर रखनी है सबसे टफ चैप्टर को, जो हमको टफ लगता है। देखिए मैं यहाँ पे अगर 5 चैप्टर का नाम लिख दूंगा ना जो टफ लगते हैं, वो मेरे हिसाब से होंगे। आपको पता है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ये आपको पता है। ठीक, तो इसके हिसाब से एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, सबसे पहला काम, जिसमें सबसे टफ चैप्टर सबसे ऊपर, उसके बाद उससे नीचे वाला। ठीक, हर सब्जेक्ट का, चाहे आपको सोशल साइंस में लगे, साइंस में लगे या मैथमेटिक्स में लगे। ठीक, अच्छा इसके बाद हमको किस पे आना है, हमने प्रायोरिटी बना ली, फिर हम आते हैं डे वन पर। किस पे आएंगे, डे वन पर। इसमें हमको क्या करना है, 3 स्लॉट हमको बनाने हैं, 3R के 3 स्लॉट बनाने हैं। ठीक है, इन 3 घंटे में क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाला तो हमारा आएगा सैंपल पेपर प्लस उसका एनालिसिस। ठीक, डेली का है ये फंड। ठीक, अच्छा अब हमारे ये दोनों घंटे में क्या होगा, अगर आपका सिलेबस बचता है तो पहले वाले में आप आपके सिलेबस को कंप्लीट करिए। ठीक है, पहले वाले स्लॉट में आप आपके सिलेबस को कंप्लीट करिए, लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसमें हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। यहां पर हमको क्या करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन 2 टॉपिक्स का करना है। ठीक है, इसमें पहले दिन हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे 1 टॉपिक का और नेक्स्ट 1.5 घंटे दूसरे टॉपिक का। अब ये रिवीजन में क्या, जो हमको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है पहले उसका रिवीजन, फिर उसके बाद जो हमको उससे इजी लगा उसका रिवीजन। ठीक है, तो हमने क्या करा, अगर हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो उसको पहले यहां 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, यहां पर हमने रिवीजन वाला पार्ट भी चालू कर दिया साथ में, और यहां पे सैंपल पेपर तो चल ही रहा है। ठीक, अब देख सेकेंड डे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड डे की स्ट्रेटजी समझ, क्या होगा डे 2, अगर तेरा सिलेबस कंप्लीट है तो तेरे को सिलेबस को कंप्लीट कर, और अगर नहीं है तो हम फिर से पूरा का पूरा किस पे आ जाएंगे, हमारे रिवीजन पे। किस पे आएंगे,
रिवीजन पे, ठीक है। यहां पर भी हमको क्या करना है, कोई भी दो सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, कोई भी दो सब्जेक्ट को उठाना है प्रायोरिटी वाइज, जो सबसे टफ हो उसको पहले यहां पर कवर करना है। साथ में जो दूसरा रिवीजन का स्लॉट होगा इसमें क्या करना है, इसमें पहले तो एक घंटा जो हमको पढ़ना है उसमें ये पूरा जो हमने फर्स्ट डे के अंदर पढ़ा है ना उसको पढ़ना है। मैं मानता हूं आपको एक घंटा नहीं लगेगा इस पूरे को रिवाइज करने में, आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट लग रहे होंगे इसको रिवाइज करने में, लेकिन एक घंटा मैंने दिया है। साथ में जो दूसरा है, दो घंटे हमको क्या करना है, यहां पर हमको करना है हमारा नया रिविजन, जो भी टॉपिक हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है वाला, ठीक। इसके अंदर क्या करना है, डे वन का, क्या करना है डे वन का, और यहां पर हमारा जो भी हमने नया टॉपिक डिसाइड किया है उसको रिवाइज। यहां पर तो हमारा सैंपल पेपर चल रहा होगा प्लस उसका एनालिसिस। इस एक घंटे के रिवीजन में, इस सैंपल पेपर के एनालिसिस में जो हमने डाउट्स निकाले हैं वो भी यहां पर रिवाइज करने हैं, ठीक। अब डे थ्री के अंदर हम क्या करेंगे, डे थ्री के अंदर देख क्या करेंगे, अब हद तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो हम आएंगे वापस से रिवीजन पर। इसके अंदर दो स्लॉट, एक ए और बी, जिसमें हम प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड स्लॉट फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो यहां पर क्या, पहले तो डे वन प्लस डे टू का यहां पर रिवाइज करेंगे, साथ में ये एक घंटे में करना है और दो घंटे में जो भी हमारा नया टॉपिक हमको पढ़ना है उसका रिवीजन करना है। यहां पर हमारा फिर से सैंपल पेपर प्लस एनालिसिस चल रहा होगा, ठीक। ऐसा हमको डे टेन तक करते रहना है और मैं आपको गारंटी से देता हूं कि सातवें दिन तक, एक हफ्ते के अंदर, आप ये जो पूरा का पूरा रिवीजन है ना उसको एक बार पूरा साफ कर चुके होंगे, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का। क्योंकि भाई तू देख, अगर यहां पर तुम्हारे तीन टॉपिक एक दिन में रिवाइज हो रहे हैं तो 21 टॉपिक हमारे सात दिन में रिवाइज हो चुके होंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको रिवाइज करने में एक से दो दिन लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक। तो तू खुद देख, तेरे सैंपल पेपर लग रहे हैं, हमारे यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, रिवीजन के साथ साथ जो जो टफ टॉपिक है, जो जो टफ टॉपिक है उसका रिवीजन हमारा लगभग लगभग 10 बार हो जाएगा एग्जाम के पहले, सैंपल पेपर का एनालाइज हो जाएगा हमारा एग्जाम के पहले, ठीक। अब तुम खुद सोचो कि देख, यहां पर तो हमने वो टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रांग नहीं है, हम सातवें दिन छठवें दिन पर आएंगे वहां तक हम उन टॉपिक्स पर आ जाएंगे जिस पे हमको पहले से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो हमारा जो स्कोर है ना वो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। तो सोच ध्यान से, हमारा जो 98% फ्लो चार्ट है उसके अंदर प्रिपरेशन वाला पार्ट था, फिर हमारा कौन सा रिविजन वाला पार्ट था जो हम कर रहे हैं, हमारा टेस्ट वाला पार्ट था जो हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब गलतियां निकाल रहे हैं, इन गलतियों को, इसके डाउट्स को हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। फिर ये जो रिवीजन है इसको हम कितनी बार कर रहे हैं, डे वन का यहां पर भी करा, आगे भी करा, पूरे 10 दिन तक हम रिवाइज करते करते रहेंगे, तो भैया एग्जाम तक आते आते हम यहां पर पेपर भी लगाते जा रहे हैं, ऐसा रिवाइज भी करते जा रहे हैं, एग्जाम तक हमारी गलतियां पहुंच चुकी होगी एकदम जीरो पर और हमारा स्कोर पहुंच चुका होगा एकदम टॉप पर। मतलब 10 दिन के अंदर भी अगर आपके अंदर एक इच्छा है ना 98% लाने की तो आप ला सकते हैं, ठीक। कोई 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 चीज आपको, कोई ताकत नहीं रोक रही है 98% लाने के लिए, लेकिन बस मन में एक सपना होना चाहिए कि मेरे को 10th क्लास में टर्म 2 में 98% फोड़ना है, ठीक। तो बच्चों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी कि कैसे इन 10 दिन के अंदर हमको रिवाइज करना है, हमको कैसे पढ़ना है, कैसे सैंपल पेपर्स को लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक। सो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।